तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है फिर से मथुरा में, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से यूपी में, यूपी के मथुरा में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, और पिछली बार आपने देखा था शायद मथुरा की सीरीज ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरा एग्जाम था तो सोचा क्यों ना मथुरा अपने दामन घूम के आए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, अब वहाँ वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। साथ हैं मेरे रिंकू भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग और चलते हैं यहाँ से। बाकी बिहारी लाल की जय बोल के व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन से निकलोगे ना, तो इस तरह गेट ऑटो देख लो, ये ऑटो मिलेंगे 20 रुपये में। अभी हमसे 40 रुपये लिए, ये पहुँच गए हम वृंदावन की गलियों में। फेस काफ़ी रेड रेड आ रहा होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और जो अभी मैंने आपको ऑटो दिखाया था, उसमें जब पहले मैं आया था तो जो शेयरिंग वाला ऑटो होता है उसमें 20 रुपये लेते हैं, अभी साल ने 40 रुपये दिए। होली के हिसाब से महंगा चल रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ की अगर वहाँ से आप लोग हैं ना, वहाँ से अगर हो सके तो ई रिक्शा है और वो प्रेफर करना, क्या नाम है, डिग गेट तक जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ से चलती है बस। जैसे DTC की बसें वगैरह चलती हैं, वहाँ से वृंदावन के लिए बस चलती हैं, आप उस बस में भी आ सकते हो। बाकी अगर शेयरिंग ऑटो में आओगे तो वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि आपको बाकी बिहारी मंदिर तक उतारेंगे। वो सारे लोग आपको अटल्ला नाम की एक चौक है वहाँ उतारते, लेकिन वहाँ मत उतरना जहाँ अभी मैंने बताया, जो बाँके बिहारी मंदिर का नाम लेगा अगर हम आपको वहाँ छोड़ेंगे तो वहीं होता, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। और ये हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पे रासलीला करते हुए, नृत्य करते हुए और सबके मन को प्रभावित करते हुए मोहित करते हुए। और यहाँ दिए थे माता जी ने सभी को दर्शन, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे भगवान इकट्ठे हुए, और उसके बाद आप देखेंगे श्री कृष्ण जी को, और इसके बाद आप देखेंगे श्री कृष्ण जी ने जहाँ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ये देखेंगे। और ऊपर हमारे श्री बालाजी प्रभु,
जय श्री राम। तो भाई अभी हम सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे, और जो लास्ट आपने वीडियो देखी वो देखी होगी वृंदावन की प्रेम मंदिर की। और वहाँ से निकलने के बाद हमेशा की तरह मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। एक्चुअली मेरे पास तो फ़ोन है नहीं, तो भाई के फ़ोन से ही बनाया क्योंकि मेरा फ़ोन ब्रेक हो चुका है। तो अगर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मथुरा या वृंदावन की, तो आप मेरे लास्ट वाले जितने ब्लॉग हैं उनको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरह आप रह सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या टाइमिंग रहेगी ट्रेन की, टाइमिंग भी मैंने उसमें आपको अच्छे से बताई। और इस ब्लॉग में मैंने सिर्फ दो या तीन चीज़ें आपको बताई हूँ, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था। हम सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए निकले थे सुबह, और हमारा कोई प्लान नहीं था, तो इसलिए हम ऐसे निकल गए। मैं चलो थोड़ा बाकी बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। और अभी टाइमिंग हो गया, अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं तो ये देखो टाइमिंग होगी है, अगर दिखाई दे रही वहाँ पे 12:33 हो गई है। तो भाई अभी दिल्ली में बैठे हैं आराम से, ये भाई भी चादर ओढ़ के सो जाएगा, ठीक है, और मैं किस तरह करूँगा। तो भाई इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए बने रहे एक ही मार्ट्स व्लॉग्स में। और अगर आपकी कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और होली या दिवाली पे हमेशा ही आप लोगों को बताता हूँ कि आप किसी भी वीकेंड के टाइम पे किसी भी जगह पे ना जाए, खासकर सैटरडे और संडे को तो बिल्कुल ही ना जाए। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं किसी भी जगह के, तो सुबह निकले। आई थिंक वृंदावन में तो सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप सुबह दर्शन करोगे बाकी बिहारी जी के, 6:30 मंदिर खुलता है, आप 7 तक चले जाओ, सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन आज व्लॉग में अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वो बाहर तक जो मेन मार्केट है ना वहाँ की, वहाँ तक वो लाइन थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा। और आज 10 है, होली के 2 बीत चुके हैं, होली के 2 भी इतनी ज़्यादा भीड़ तो मायने नहीं रखती, वो अलग ही लेवल की भीड़ थी भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको जाननी चाहिए, और वो जानने के लिए आपको मेरे लास्ट वाले सभी व्लॉग देखने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट व्लॉग जितने भी आएंगे, या मैं जयपुर जाऊंगा या फिर शिमला वगैरह का बनाऊंगा, और उसकी अगर उसके लिए भी आपको कोई आपकी कोई क्वारी है या आपके कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो मेरी इंस्टाग्राम में लिंक नीचे दिया हुआ, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी पोइट्री सुनना चाहते हैं तो एक की निर्माण पोइट्री, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पोइट्री सुनिए। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें शायद मैं लेके आऊँ आप सबके लिए, नई नई पोइट्री मैं सोच रहा हूँ फिर से स्टार्ट करूँ। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और देखते रहिए एक ही निर्माण बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।